हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कीचूज मामा ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है मकर संक्रांति, आप लोगों के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। तो देखिए, मकर संक्रांति की कुछ हमने इस तरह से तैयारी की है जो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये सब्जी बनाई हूँ, ये गुड़, दही। सो देखिए, और ये है चूरा जो मैंने साफ करके रखा है। इसे सब्जी तो इसमें स्पेशल होती है, मटर डाल के चलते हैं सेलिब्रेट करने मकर संक्रांति। इस तरह से कुछ उत्तरायण का सेलिब्रेशन छत पे हो रहा था, मतलब फिफ्थ फ्लोर के ऊपर। तो हम लोग वहीं ऊपर ही गए थे और मतलब आसमान में ना सिर्फ पतंग ही पतंग दिख रहे थे। मतलब बहुत भीड़ था। ये साइड थोड़ा कम था इसलिए कीचू को इधर ही लेके आए। यहाँ तीन ब्लॉक है, ए बी सी। तो ये हम लोग बी में रहते हैं, तो ये बी का है, बी का दूसरा साइड है। उस साइड सीढ़ी के उस साइड जो है वो में काफ़ी भीड़ था। उसमें लड़के सब बहुत थे और बहुत मतलब पतंग की जो डोरी होती है ना वो बहुत ही मतलब ये होती है, उससे डर भी होता है कटने का। तो इसलिए उधर नहीं थे हम लोग, इस साइड थे। और बहुत ही इंजॉय हो रहा था। थोड़ा सा क्लिप तो आपने सुना ही होगा, गाना बॉक्स वगैरह सब चल रहा था और बहुत अच्छा से सेलिब्रेशन होता है। और देखिए, कुछ नज़ारा इस तरह से था जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऊपर से कोई भी चीज़ का नज़ारा जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। ये हाईवे दिख रहा होगा और ग्रीनरी बहुत सुंदर, ये पेड़ जो है वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने दोनों साइड से व्यू लिया हुआ है, आप लोगों को शेयर ज़रूर करूँगी। और कीचू भी था जो इन्जॉय कर रहा था। और कीचू के को ना सब कोई पहचानता है, कि कीचू ना बहुत फैमिलियर है, सबके साथ घुल मिल जाता है। तो वो भी बहुत इन्जॉय कर रहा था। और पता है गाइस, बार बार वो सीढ़ी के ऊपर ही जाने की कोशिश उसकी रहती थी। देखिए, मतलब बार बार अभी भी चढ़ने जा रहा था, ऊपर से एक मतलब ऊपर भी छत है, वहाँ से कोई मतलब डराए तो भाग आया। और क्या है ना, उसका जो है ना मतलब ये फुग्गा जो है ये बहुत ही, सबको इधर गैस वाला बलून है सबको यहाँ पे लिए। देखिए, मार्केट पास में ही दिखा, वहाँ पे दिखा रही थी जो आप लोगों को, वहीं मिलता है। बहुत ही अच्छा लग रहा था और सब कोई इसे भी उड़ा रहे थे। तो देखिए किस तरह अपना फुग्गा लेकर के वो सीढ़ी पे चढ़े जा रहा है। बहुत ये बदमाश हो गया है और डर लगता है ना, बच्चा है कहीं गिर ना जाए इसलिए। और ये देखिए, छत से दूसरी ओर का नज़ारा देखिए, सब अपने अपने छत पे पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चे हों, बूढ़े हों, जो भी हों, मतलब लड़की हो लड़के, सबको ये देखिए खाली पतंग ही पतंग उड़ा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पहला उत्तरायण है, मकर संक्रांति है यहाँ, मतलब शादी के बाद का ये मेरा पहला उत्तरायण है। तो इस तरह से सेलिब्रेट कुछ की हूँ मैं। तो ये है शाम का ब्लॉग, मतलब छत से आने के बाद घर के जो भी रूटीन्स थे वो सब कंप्लीट करने के बाद मैं किचन में थी। मतलब खाना मैं बना ली थी सुबह, तो हम मतलब यही खाए थे, मतलब चूड़ा, दही और आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, तो वही मतलब था। लेकिन अभी शाम में हमारे यहाँ क्या है ना, खिचड़ी नहीं बनती है, तो इसलिए दाल चावल ही बनाई, सब्जी थी सुबह की। तो हमारे यहाँ ऐसा है ना कि खिचड़ी हमारे यहाँ नहीं बनता है, किसी के यहाँ आए तो हम लोग खा लेते हैं। तो ये जो प्रिपरेशन है ये है लाई बनाने की, आप लोग देख रहे होंगे। मैंने बादाम जो है ना भून लिया है और उसका छिलका भी साफ़ कर रही थी साथ साथ, और इधर चूड़ा भी भून रही हूँ। चूड़ा भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसे धीमा आँच में और एकदम कुरकुरा होने तक भूनना होगा। और कीचू जो है ना बहुत परेशान कर रहा था, पूरे आलू प्याज है ना टोकरी से निकाल निकाल फेंक रहा था। देखिए, पूरा उठाना पड़ रहा है। अभी रूम में भी बहुत सारा फेंका हुआ है, उसे भी मैं साफ़ कर लूँगी साथ साथ। तो ये ना बहुत परेशान करते रहता है। और इधर का क्या है, काम भी करना है। और लाई जो है ना वो मैं कीचू के सोने के बाद ही बनाऊँगी। तो देखिए, अभी आपको अपने पति देव से, क्योंकि ये हमारा पहला मकर संक्रांति है शादी के बाद। ये मेरा पहला शादी के, मेरे 2 साल कंप्लीट हो गए, ये 3रा साल चल रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ मैं अपने पति देव से कि उन्हें कैसा फील हो रहा है मेरे साथ पहला मकर संक्रांति सेलिब्रेट करने में, क्योंकि मैं अभी गुजरात में हूँ और मतलब बड़ौदा में। ये रहा मगर, ये है मगर, ये
देखिए मैं क्या बात करूंगी, देखिए ये है मेरा मगर, देखिए ये है मगर संक्रांति, देखो ये मगर कर रहा है मगर। तो क्या हो गया यहाँ जो है ना, बहुत उत्तरायण का बहुत ही धूम है, आप लोग भी जानते हैं कि गुजरात में उत्तरायण बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो देखिए मैं इनसे पूछती हूँ और रिएक्शन आप लोग के संग शेयर करती हूँ। चलिए बताइए कैसा लग रहा है। YouTube की पूरी जनता देख रही है, वो बताएंगे कि आप मेरे साथ खुश नहीं है, तभी आप जल्दी से कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। देख लीजिए आप लोग, देखिए बाबू की मस्ती ऐसे ही वो मस्ती करते रहते, धमाल करते रहते हैं। किचू हाय बोल दो बेटा, और भाइयों और बहनों देखिए वो मोदी जी बन गए हैं अभी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सो गाइस इनको मेरे संग अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं डिसाइड की हूँ अगले साल से मकर संक्रांति मैं अपने मायके जाके करूंगी, क्योंकि इन्हें एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मेरे को मारा गया इस तरह से और ऐसे कदर पर। देखिए खाना मेरा बन गया है रात का, अभी खाना खाएंगे थोड़ी देर में, और चीचू के सोने के बाद ये जो है हम लोग तो मुआ कहते हैं लाई, वो बनाऊंगी। पर आप लोगों को मेरा ये सूट कैसा लग रहा है बताइएगा डिजाइन। बस चूड़ा भुन जाए तो खाना खाने की तैयारी करेंगे, और क्या बोलूँ, हाँ गुड़ भी मैं निकाल के रखी हूँ, ये देखिए ये भी है, और मैंने इधर मंगवा के भी रखा हुआ है, ये सब डालूंगी। तो देखिए खाना खाने के बाद जो है ना मैं लाई बनाने के लिए तैयार करने लगी, तो देखिए ये पाक मैं बना रही हूँ। पाक जो है ना बहुत अच्छा से बनना चाहिए, मतलब पानी में इसे डालो तो ये फैले नहीं, एक सेट बैठ जाए। तो बस तैयार हो ही गया था मेरा पाक, कुछ कुछ क्लिप्स मैंने नहीं शेयर किया है क्योंकि नहीं हो पाता है, बहुत कुछ दिक्कत हो जाता है। जैसे कि क्या है, किचू के सोने के बाद बनाने की बात, लेकिन किचू के लिए बहुत इंतजार कि वो सोया नहीं, तो उसके पापा संभाले हुए हैं। तो इधर से मैं फटाफट से पाक मिलाऊंगी और जल्दी जल्दी लाई बनाते जाऊँगी, वरना ठंडा हो जाएगा तो ये बनेगा नहीं। तो देखिए कुछ इस तरह से मैं बनाई थी लाई, आप लोग कैसा बनाए ज़रूर कमेंट करना। और लाई बनाने के बाद कुछ गुड़ मेरा बच गया था पाक, तो मैं थोड़ा सा बादाम बचा हुआ था, तो मैं सोची क्यों नहीं इसे ही भून के बना ले। तो देखिए मैं बना ली चिक्की, और चिक्की कैसा बना कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरा ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।